संबलपुर केन्द्रस्थल निर्माणाधीन फ्लाईओवर काम अधारे रही तुतुरा पड़ारु जिलापाल कार्यालय पर्यंत फ्लाईओवर पोलो काम अधारे थिबारु नाही नथिबा हैरान होउछन्ती सहरवासी। बमिखाल फ्लाईओवर भुशुडीबा परे यार काम बंद रही कारण बमिखाल फ्लाईओवर निर्माण करथुवा पंडा इन्फ्रा ही यार काम करथुला। बंद रही पोलो काम एपर्यंत भी हो पारुनी तबे खूब शीघ्र पोलो काम आरंभ करने को दावी होईछि। इस संपर्क में अधिक सूचना सहित जोड़ी होती सीधासख संबलपुर आम प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान। त्रिविक्रम कहीं फ्लाईओवर काम को स्थगित रखा जाए जितेबाला बमिखाल काम पुणी थे आरंभ करागला तो संबलपुर कहीं काम को स्थगित कर विभाग कर्तृपक्ष संपर्क में कौन कौन एवं स्थानीय लोकों कौन रही प्रतिक्रिया। हाँ शक्तिशाई आम अच्छे संबलपुर लक्ष्मीटेकी छक निकट में जहाँ जो गोटे पटे रही टाउन थाना और गोटे पटे रही सरकारी बस स्टाण आउ अन्य गोटे पटे रही गोलबजार समूह संबलपुर प्रमुख अंचल गोलबजार यही ऊपर दे रास्ता उपर निर्माण चली निर्माणाधीन जो फ्लाईओवर निर्माण चली कि एका संस्था पंडा इनफ्रा प्रोजेक्ट जेहेतु दुईट भुवनेश्वर जो दुर्घटना घटला से ही एका संस्था निर्माणकारी संस्था एटी भी निर्माण करते तेणुक काम को बंद कर जिलापाल किसी दिन आगे कही खूब शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ हम कि देखिपे आप मुख्य केन्द्र स्थल में सीधा सड़क दृश्य देखिपे लोक मैंने केमी असुविधार सम्मुखीन होती जेहतु एपटे गाड़ी मटर चलाचल बंद रही जेहेतु दुईपटे जो आप्रोच रोड निर्माण करने कथा आप्रोच रोड निर्माण करण कराला फ्लाईओवर एवं निर्माण कार्य जेहतु अधा पंती अवस्था पड़ रही तेणुक नहीं ना असुविधा भोगुंत सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना खबर पाइबापर स्थानीय संबलपुरवासी आसी पहुंची समस्या जनवाई सीधा सड़क आम प्रतिक्रिया ना कौन रही मुख्यतः दाबी कौन समस्या हूँ संबलपुर केन्द्रस्थल निर्माण चली दिन है निर्माण कार्य जेहतु अधापंती अवस्था पड़ रही कौन सब सम्मुखीन होती देखो कौन सी जगह कंस्ट्रक्शन आरंभ हुए तो सब एप्रोच रोड दि जाए देखो एवं संबलपुर मुख्य मार्केट रही सेपटे एपटे रही बहुत मैं जनबस एरिया जदि एवं संबलपुर एनघुआ लेन गुजराती कलोनी किसी मेडिकल केस हुए कि कौन से निया लगे जाए तो दमकल केन्द्र कि एम्बुलांस पहुंचे बहुत टाइम लगे तो से दायी किए हम एपटे रही संबलपुर मुख्य बजार गोल बजार राति साढ़े दसटा दसटा पर्यटन लोक जावास करते लाइट्र सुविधा ना मैंने आपड़ देखा गलत प्रतिदिन दु दिन लोक नाली पड़ुंत तो सी दायी देखो आपरे घर के समस्या बजार पूरा बंद हो गला हाँ बहुत समस्या हूँ रास्ता ठीक नहीं मिलवार गाड़ी गुड़ा कि जा नहीं पार्बार सन्धार के बहुत भिड़ हो जाए संपूर्ण भाव में ये किसी व्यवसायी अच्छा आम सीधा साल पचार कौन समस्या रही है आपंकर दुकान बजार ये चलूला एवं देखुची बंद पड़ी वर्तमान जो आग फ्लाईओवर काम आरंभ हाँ आगर जो व्यापारटा था ताटू 50% भी व्यापार होनी आपण मैंने कैमेरु देखिपारे दी चार्टा दुकान जोटा अच्छे परमानेंट बंद करके पलैले से बर्तमान खाली भड़ा दौंट आउ चली जदि एप्रोच रोडा हो मैंने लोक मैंने आसी जाइपारे और व्यापारटा भी ठीक भाव में चलो निर्माण तो एवं पुणी आउ थे कथा कहला कि देखा जाए निर्माण कार्य आरंभ है नहीं निर्माण कार्य एवं जस्ट एटा स्टार्ट करुणिलु जिलापाल आदेश देखे नुआ निर्माण करने जो हिसाब से निर्माण रो प्रोग्रेस रहा कथा से निर्माण रो प्रोग्रेस नहीं अच्छा आम जिला प्रशासन को आगु भी कही जितेबाला नुआ निर्माण कार्य आरंभ हम से प्रथम एप्रोच रोड दीपटर दिहूतापुर निर्माण कार्य चालू हो बाकी एबे आपण निजे देखंतु एठी बड़ नाली अछि नाली को जदि एक्सटेंड करि करि पछपट को निया होंता एप्रोच रोड क्लियर हो जाता आपणकर टाउन थाना भितर टाउन थाना परिसर भितर बाउंड्री हो गलानी पछ को बाकी सामना बाउंड्री भांगी के एप्रोच रोड दौनांती सेटा जिला प्रशासन रो खामखियाल नीति एमिती लागुछि जे एथि आमर डाउट लागुछि एक संबलपुर रो जनसाधारण को भूल और जिला प्रशासन जोटा पीडब्ल्यूडी हैंडओवर करी तार ऊपर महलारू किसी प्रेसर अच्छी पैसा से माने पीसी मार्जिनटा बेसी नौचंती सेतिपई जे ठिकादार जबरदस्ती एप्रोच रोड करूनी कहीं ठिकादार जेतेबेले काम स्टार्ट करबा कथा बिना एप्रोच रोड रे ठिकादार काम करबा बिना एप्रोच रोड रे काम करबा कथा ना जेमती कहुतले महिला माने मुख्यतः बेसी संपूर्ण भाबे गोलबजार को सब दिन महिला माने आसी थांती समस्त प्रकार घर करणा सामग्री मिलिता केते असुविधा होय यहाँ अंठापाली रु कचरी रोड मुख्य रास्ता आम महिला मान स्पेशली बजार को आसपा पड़ी सबुदिन नित्य व्यवहार्य जिन सब गोलबजार आसे न आसिले चलूनी हेले मेन रोड जो एप्रोच रोड ना स्कूटर मोटरसाइकिल बहुत भिड़ रोच भिड़े एक्सीडेंट भी भय रोच स्पेशली महिला मैंने जो स्कूटर नहीं कि पिला मनमुखी चलेवा द्वारा से बहुत भय असुविधा हो बुल मैडम के मुख्य रास्ता निर्माण कार्य आरंभ है
ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି, ମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଯେମିତି ହଇରାଣ। ଆମେ ଘରୁ ଟେମ୍ପୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଲି ବୁଲି ମାନେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡୁଛି। ମାନସ ବକ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯାଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରପର ହିସାବରେ କ୍ୟୁରିଂ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇଛି, ମାଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ଗାଡ଼ି ଗଲା ସମୟରେ, ସେ ଧୂଳିକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା କଥା ସେଟା ବି କରାଯାଉନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଖାମଖିଆଲି ନୀତି କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଟା ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭୂମିଖାଲ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଯାଇଥିଲା, ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା? ଏଠି ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଦେବା କରାହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା କି? ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଗଲା କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରାଗଲା, ତାକୁ କିଛି